सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब टुडे। मैं हाँ तुहाडे नाल पूजा वर्मा। इन दिनां पंजाब दे विच एक बार फिर तो ही माहौल नजर आ रहा है जिहड़ा कि साल 2020 दे विच नजर आ रहा सी। दरअसल किसान एक बार फिर तो सड़कां ते आ गए ने, चक्का जाम जिहड़ा है ओह कीता गया है ते उहनां दी सीधे तौर ते कहना है उहनां वल्लों कि जद तक सरकार उहनां दी मंगां नहीं मंनदी उहनां दा चक्का जाम जारी रहेगा। दस दईए कि पंजाब दे चार जिलिआं दे विच जिहड़ा है चक्का जाम कीता गया है। कई थावां ते जिहड़े बिल्कुल ट्रैफिक बंद कर दिता गया है जिस करके लोगों नू खासे परेशानी हो रही है। हालांकि उन्होंने कहना है कि इस दे लई सरकार जिम्मेदार है क्योंकि कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक साढ़े को फिलहाल गलबात करन दे लई नहीं पहुंचा है क्योंकि सरकार जिहड़ी है वह गुजरात चोणां दे विच बिजी है। हालात यह ने कि लोगों नू रूट्स डायवर्ट करने पै रहे हैं, जिहड़े लोगों की आवाजाई है वह कितने ना कितने प्रभावित हो रही है। गलबात करते हैं साढ़े नाल अमृतसर तो साढ़े सहयोगी जुड़े ने मनजिंदर। मनजिंदर, कल भी तस्वीरां देखियां, अज जिहड़ा किसानों के धरने की गल करिए ते दूजा दिन है ते किस तरीके की तस्वीरां अज भी नजर आईयां। हालांकि एक ब्रेकिंग जिहड़ी तुहाडे वल्लों पाई गई सी जिस विच लिखिया गया सी कि समर्थन भी कर रहे ने कई लोकी इन्हां दी मंगां दा। मनजिंदर, तुसी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बिल्कुल, ते शायद नेटवर्क उत्थे नहीं है लेकिन जिस तरीके दी तस्वीरां सामने नजर आ रही हैं कि लोकी काफी जिहड़ी है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नता कर रहे हैं कि उन्हां नूं जान दिता जावे, लेकिन टोल प्लाजा दी जेकर गल कीती जावे ते ओह बंद कर दिते गए ने ते कई थावां ते बिल्कुल चक्का जाम कीता गया। खासकर अमृतसर पठानकोट हाईवे दी गल कीती जावे ते उत्थे पूरे तरीके नाल बंद कीता गया है। लेकिन दूजे पासे पटियाला दी गल कीती जावे ते उत्थे वी जिहड़ा संगरूर बठिंडा नूं जिहड़ा रोड जांदा है जिहड़ा कि नैशनल हाईवे बंद कर दिता गया, लेकिन रात दे समय वह खोलिया गया सी। उत्थों जिहड़ा एंबूलेंस नूं जान दिता जा रहा है, स्कूल बसिस नूं जान दिता जा रहा है ते जिन्हां दा पेपर है उन्हां नूं जान दिता जा रहा है। जिहड़ी सरकारी बसां है वह बिल्कुल बंद कर दित्तियां गईयां, यानी कि उत्थों अगे उन्हां नूं नहीं जान दिता जा रहा है। किसानां दा यह भी कहना है कि जिस तरीके दे नाल उन्हां दा प्रशासन दा ते सरकार दा रवैया है कितना कितें लग रहा है कि सरकार एक बार फिर तो जिहड़ा उन्हां उत्ते निशाना साध रही है। खासकर उन्होंने कहा कि जद साडी मीटिंग हुई सी मई दे महीने विच ते सरकार ने साडी मंगां मनियां सीगियां लेकिन हले तक जिहड़ा है कोई भी साडी सुनवाई करन दे लई नहीं पहुंचा, नोटिफिकेशन जिहड़ी है वह नहीं आई है। जे साडी मंगी हुई मन्ना जिहड़ी मंगां है वह नहीं मनिया जांदी ते आखिर फिर इस दे लई कौन जिम्मेदार है? किसानां दा कहना है कि असीं कोई नवी मंगां नहीं कर रहे, कोई अजिही जिहड़ी डिमांड सरकार तों नहीं कर रहे जिहड़ी कि कोई नवी होवे या सरकार नूं सोचण दे लई फैसला लेना पवे। अजे असीं जिहड़ी है उही चीज़ां मंग रहे ने जिसका ऐलान आप सरकार कर चुकी है लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी किसी भी तरीके दे नाल हुन सहयोग नहीं दे रही है। उन्हां दा इह वी कहना है कि जेकर सरकार हले भी नहीं मन्नी ते इन्हां दे विधायकां दा, इन्हां दे मंत्रियां दा घरों निकलना भी मुश्किल कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार क्योंकि गुजरात चोणां दे विच लगी है लेकिन हुण आने वाले समय दे विच जिहड़ा है जल्द तो जल्द उन्हां नूं भी घेरिया जाएगा, संगरूर दे विच घेर के उन्हां नूं वादा खिलाफी जिहड़ी उन्होंने कीती है वह याद कराई जाएगी। किसानां दा कहना है कि अन्नदाता सिर्फ जिहड़ा कहा जांदा है ते एक बार फिर तो मनजिंदर अमृतसर तो जुड़ गए ने। मनजिंदर, जिस तरीके दे तस्वीरां कल भी नजर आईयां सीगियां, अज भी की लोकां नूं परेशानी हुई क्योंकि तुसीं एक पासे एक ब्रेकिंग भी भेजी सी जिस विच इह दस्सिया गया कि लोकी समर्थन भी कर रहे हैं किसान दा जिस तरीके दे नाल ओ बैठे ने। मनजिंदर, तुहाडी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तुसी जिहड़ा म्यूट दा बटन है ओ दबाया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पूजा दसना चाहूंगा कि किसान अपनी निजी लड़ाई लड़ रहे, यह पंजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्होंने तो यही गल कही जा रही है कि असं पंजाब के हकों वास्ते लड़ रहे हैं। तो कई लोगों ने असं इंटरव्यू भी की इतने अमृतसर के कत्तू नगर टूर प्लाजा तो उन्होंने तो यही गल कही जा रही है कि असं किसानों का समर्थन करते हैं क्योंकि पंजाब के हकों वास्ते लड़ रहे हैं क्योंकि आने वाली जी पीढ़ी आ उन्होंने राहत मिल सके क्योंकि सरकार की जी मंशा वो सही नहीं लग रही क्योंकि इतों जो बलदेव सिंह सिरसा वो हूँ जलंधर वास्ते रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा जा रहा जी सारी किसानों की मीटिंग आ मता पास किया जाएगा कि तीन दिन हो गए सानू कि जी सरकार क्यों नहीं साड़ा सुन गया, सरकार क्यों सुती हुई है। इस करके जे कोई नई कार्रवाई होगी तो सख्त तो सख्त वड्डा पंजाब दे विच वड्डा एक्शन हो सकता। तो हुण तस्वीरां तुहानूं साझियां सी इस करके कर रहे हैं अमृत कत्तू नगर टूर प्लाजा दियां
जिथे की सब तो महंगा टोल प्लाजा मनिया गया ते आम लोगों को काफी जड़ी राहत मिल रही है जी। सरकारी बसेस दी गल कीती जावे क्योंकि कई थावां ते असीं देखिया कि सरकारी बसेस जड़ी है लोकी ट्रैवल कर रहे उन्हां नूं नहीं लंघन दिता जा रहा है कि अजे भी जड़ा उत्ते यही हालात ने। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਇਸ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਦਰੂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਮਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਮਰਜੀਤ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਉਂਕਿ
जिस तरीके दे नाल असी देखिए कि लोगों भी खासी परेशानियां रही, खासकर सिर्फ एम्बूलेंस से स्कूल बसेस नू जान दिता जा रहा है, लेकिन जिड़ी भी गड्डियां बाहरों आ रही है उथे रोकिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रूट डायवर्ट करके ही जड़ा है उतो जाया जा रहा है। खासकर उन्हों का यह भी कहना है कि प्रशासन जान बुझ के लोगों इसी राह तो भेज रहा है ता जो जड़ा है टोल प्लाजा से जड़ा उथे अजि सिचुएशन बने अजि उथे जड़ा है लोगों खासी परेशानी हुए ताकि लोकी किसानों के खिलाफ बोलन, लेकिन सरकार वालों फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी जी है चल रही है तो थोड़ी देर च खत्म होने वाली, हो सकता है मुख्यमंत्री कुछ ऐलान कर सकते हैं, लोगों को उम्मीद तो है, किसानों को उम्मीद तो है, लेकिन देखना होगा कि किसानों के फेवर दे विच की ये सरकार की ये मुख्यमंत्री जरा कुछ कहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तस्वीर तुम देखो अपनी टीवी स्क्रीन पर मानसा दे मानसा की तस्वीर ने जिथे कि टोल प्लाजा से किसान बैठे ने, हालांकि कई किसान हले जिमें कि किसान आगुआ का कहना है उत्थे कि अपनी फसल बिजाई करके होर आए हैं, यानी कि आने वाले समय के जी किसानों की गिनती होर वधेगी, तो जेकर सरकार जी है उन्हों की मंशा सरकार की मंशा जेकर स्पष्ट नहीं होंगी तो आने वाले समय के जड़ा है संघर्ष तिखा किया जाएगा। जिमें कि मनजिंदर दस रहे कि जलंधर के अच्छ मीटिंग होएगी तो उस तो बाद रणनीति तय की जाएगी कि आखिर अगे की रणनीति रहन वाली है। तो तस्वीरों के असी देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है तो बैठे हुए ने किसान, ये मानसा की तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, तुम लाइव तस्वीर देख सकते हो कि इतने किसान बैठे ने, हालांकि रात के समय गिणती थोड़ी जी घट हो जाती है क्योंकि कई किसान जड़े पक्का मोर्चा लाने की तैयारी दे विच है, ते कई थावां ते असी देखिया कि ट्रालियां ला के किसान उत्थे जड़े है बैठने शुरू हो गए हैं, हालांकि ये उही नज़ारा है जड़ा कि साल 2020 असी देखिया सीगा जद किसान पक्के तौर पर सिंगू बॉर्डर से बह गए सी, पहला उन्होंने रेलवे लाइन पर जड़े बैठ के धरना प्रदर्शन किया, उस तो बाद सरकार ने मंगा नहीं मनिया तो उस तो बाद दिल्ली का रुख किया, तो दिल्ली के सरहदा से बैठे तो उत्थे हरियाणा तो पंजाब के किसान कट्ठे होकर उन्होंने संघर्ष किया, तकरीबन एक साल उत्थे बैठे रहे तो सरकार ने जी उन्होंने मंगा मनिया। ते अमरजीत साडे सहयोगी मानसा तो साडे नाल जुड़ चुके ने, अमरजीत तस्वीरां देख रहे हैं किसान बैठे ने काफी संख्या भी नजर आ रही है, कि लग रहा है कि सरकार इन्हां दी मंगा अज मन लवेगी या फिर लग रहा है कि होर तिखा होने वाला है संघर्ष? दसना चाहांगा किसान जिहड़े पंजाब दे विच दुबारा सड़कां दे उपर आए ने, पंजाब सरकार दे खिलाफ इह मोर्चा खोलिया गया गा, कई मंगां ने किसानां ने जिस तरह पंजाब दे विच लंबी सकिन नाल जिहड़े दुधारू पशु मरे आ उहनां दे मुआवजे नूं लै के गुलाबी सुंडी नाल जो फसल बर्बाद हो रही है जां बरसात नाल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा लैण दे लई जो किसानां मजदूरां दे बरसात नाल मकान जिहड़े ढहे ने उसका जिहड़ा मुआवजा लैण दे लई, दूजा जिहड़ा उन्हां दा एक वड्डा तर्क आ इक जिहड़ा सरकार ते रोस आ कि आम आदमी पार्टी ने वादा कीता सीगा कि हरा पिन चलेगा किसानां मजदूरां दे लई, पर इस बार पराली दा कोई ठोस कदम नहीं चुक्या गया जां हल नहीं कढ़िया गया, जिसनूं लै के किसानां वल्लों कई किसान छोटे किसान सी उन्हां वल्लों जिहड़ा पराली नूं अग लगाई गई सी तां उन्हां दे खातिआं दे विच जिहड़ा लाल पिन चला दित्ता रैड एंट्री जिहड़ी कर दित्ती आ उह जिहड़ी खत्म करवाउण दे वास्ते इह धरना लाएगा, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਨੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਡਿਵਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਭੈਣੇ ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੋਢੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ, ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
पूजा तुसी धरना की गल की आ तां जो सत्ता हासिल करनी होंगी है तो कोई भी पार्टी हो चाहे अकाली दल की गल की जाए या कांग्रेस की गल की जाए जिस या जिस तरह हुण आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच उभर के आई है तो वादे बड़े ज्यादा वड्डे वादे किए जाते हैं किसानां नाल मजदूरां नाल क्योंकि वोटां भरमाउण दे लई पंजाब दे विच ज्यादा वोट बैंक किसानां मजदूरां दा गा पर जो सत्ता हासिल कर ली जाती है तो वह वादे जिहड़े फिर पूरे नहीं होंदे क्योंकि उन्हां ना तो पैसा हुंदा गा सरकार दे कोल तां की हुंदा गा वादे जरूर किए जाते हैं तो वह वादे कागजां च रह जाते तो मजबूर बस होके किसान मजदूर फिर सड़कां ते उतरदे अपने वादे पूरे करवाउण दे लई इसे तरह जिहड़ा हुण हो रहा गा आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि पराली के लिए जिहड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा कि किसी भी किसान नूं पराली नूं अग नहीं लगा दी जाएगी पर छोटे किसान जिहड़े उन्हां कोल ना तो इन्ना पैसा कि वह मशीनरी खरीद सकन ना उन्हां कोले कोई प्रबंध रहे तां करके मजबूर दो तो तीन एकड़ वाले किसानों नूं मजबूर अग लगानी पैंदी है क्योंकि पहली कर्जे की मार चलते आ रहे हैं किसान सरकारां दी गलत नीतियां कारण लगातार खुदकशियां किसान करते हैं देश नूं अनाज देने वाला किसान मजदूर जिहड़ा परेशानी दे आलम च रहिंदा इस बार भी देखिया गा पहला गुलाबी सूंडी ने बर्बाद करती किसानों मजदूरों की फसल तो उस तो बाद बरसात ने जिहड़ा बिल्कुल बर्बाद कर दी तो हुण जिहड़े किसान अके हुए सड़कों पर बैठे तां सरकारां नूं या कोई भी पार्टी है अजिहे वादे नहीं करने चाहिए जिहड़े पूरे नहीं कर सकते तो वो ये कहते हैं किसान कि उन्होंने फसलों के रेट जिहड़े वाजिब दिते जाण अमरजीत किसानां नूं इस बारी लोकां दा समर्थन मिल रहा है जिवें जिवें कि पहले मिलिया सीगा देखो पूजा मैं तस्वीरें दिखाऊंगा मैं धरने देख सकते हो किसानों ने धरने के लगातार पहुंचे हुए हैं किसानों की गल की मजदूर ने बुजुर्ग मैं स्टेज वाल कैमरामैन कहूंगा कि तस्वीर दिखाने औरत भी जिस धरने के पहुंचे हुई है तो समर्थन जो मिल रहा बाकी दसिए जथेबंदियां ने प्रदर्शन कर रही ने बाकी बहुत सारे जथेबंद जो इस प्रदर्शन के मानसा के दो जथेबंद ने बीके जू सिद्धू पर एक होर जथेबंदी जो समर्थन कर रही है वही गिनती प्रदर्शन के पहुंच रहा है क्योंकि अक्सर देखा जाता है मंग किसानों मजदूरों की होंगी है तो किसान मजदूर वही गिनती बिल्कुल अमरजीत तुसी नजर बना के रखो जेकर कोई मीटिंग होंदी है प्रशासन दे नाल जेकर चक्का जाम खत्म करन दी कोई खबर मिलदी है ते जरूर तुसी इस बारे जानकारी दर्शकां नाल सांझी असी करांगे ते बिल्कुल किसानां दा धरना एक बार फिर तो जारी है चक्का जाम जारी है अज दुपहरे जलंधर दे विच फैसला होएगा कि अगे दी की रणनीति रहने वाली है लेकिन किसानां ने याद भी कराया सरकार नूं कि जद आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी सी तद मुख्यमंत्री भगवंत मान ते कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा उन्होंने नाल आप बैठे सीगे धरने प्रदर्शन दे विच ते कहा सी उन्हां दी सरकार आएगी ते कोई भी धरना नहीं लगेगा लेकिन तस्वीरां अजे ही नजर नहीं आ रही है लेकिन कितना किते आम लोग परेशान जरूर हो रहे हैं कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं यानी कि तरीका जड़ा है अपनी मंगा नूं मनन दा यही हो गया है कि धरना लगा के बह जाओ ते तुहाडी मंगा मन लीती जाएगी लोगों का सीधे तौर पर सिर्फ इन्ना कहना है कि जेकर तुहाडी मंगा नहीं मनिया गई तो तुसी चंडीगढ़ जाके क्योंकि उत्थे सरकार पूरी सरकार जिहड़ी इत्थे रहिंदी है कैबिनेट इत्थे रहिंदी है तो इत्थे जाके प्रदर्शन किया जाए सानू परेशानी ना होवे क्योंकि एमरजेंसी केसिस होंदे ने कई लोगों ने अपने घर जाना है या रोज़मर्रा के जिन्हां लोगों ने ट्रैवल करना है उन्होंने भी खासे परेशानी आ रही है फिलहाल किसानों का सीधे तौर पर कहना है इस दे लई जिहड़ा है वह प्रशासन जिम्मेदार है असी नहीं सरकार जिम्मेदार है तो देखना यह होगा कि आने वाले समय के किसानों का की फैसला होंदा है तो सरकार का आखिर की रुख रहिंदा है तुसी बने रहो पंजाब टुडे दे नाल सत श्री अकाल।